चीन में आज ब्रिक्स सम्मेलन का आगाज, प्रधानमंत्री सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, भारत उठा सकता है आतंकवाद का मुद्दा। गोवा शिखर सम्मेलन के मुद्दों को आगे बढ़ाएगा भारत, प्रधानमंत्री ने जताया भरोसा, रचनात्मक चर्चा और सकारात्मक नतीजे के प्रति उत्सव। पाक प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाने से पहले चीन ने पाक का किया बचाव, बोला ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान पर चर्चा उपयुक्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज होगी मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर करार संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर से भी होगी मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक। चीन के शियामेन शहर में 3 से 5 सितंबर तक चलेगा ब्रिक्स सम्मेलन, 5 तारीख को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे मोदी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्रिक्स सम्मेलन का किया उद्घाटन, सदस्य देशों को मतभेद दूर करने का मंत्र। रविवार को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, होटल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। शियामेन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री, मोदी के दौरे को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम का म्यांमार दौरा, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर करा आधारभूत ढांचा, बिजली और ऊर्जा पर भारत सहयोग का इच्छुक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक। समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ राहुल की मुलाकात तय, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करने की रणनीति। 5 सितंबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे लखनऊ मेट्रो रेल का दोबारा उद्घाटन, समाजवादी पार्टी का विरोध। उद्घाटन से पहले लखनऊ मेट्रो पर सियासत तेज, समाजवादी पार्टी का आरोप, सीएम रहते अखिलेश ने ही लखनऊ मेट्रो का किया था उद्घाटन। समाजवादी पार्टी का आरोप, तैयार लखनऊ मेट्रो रेल को एनओसी देने में जानबूझकर देरी कर मेट्रो का श्रेय लेने की कोशिश में बीजेपी। मोदी कैबिनेट का विस्तार, 4 का प्रमोशन, 9 निली राज्य मंत्री के रूप में शपथ, मिशन 2019 की तैयारी शुरू। निर्मला सीतारमन का हुआ प्रमोशन, इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली दूसरी महिला। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय का प्रभार, सुरेश प्रभु अब संभालेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नितिन गडकरी का कद बढ़ा, सड़क प्रबंध के साथ गंगा और जल संसाधन मंत्रालय की संभालेंगे जिम्मेदारी। उमा भारती को गंगा और जल संसाधन मंत्रालय की जगह स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई उमा। धर्मेंद्र प्रधान का हुआ प्रमोशन, बनाए गए कैबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम के साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय का भी संभालेंगे काम। संसद में विपक्ष को साधने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का बनाया गया कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य का काम वापस। राज्यवर्धन सिंह राठौर को इनाम, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के साथ खेल मंत्रालय का भी स्वतंत्र प्रभार। नौकरशाहों में से 3 को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, आरके सिंह को ऊर्जा, हरदीप पुरी को आवास और शहरी मामलों का प्रभार। पूर्व आईएएस केजे अल्फोंस बनाए गए राज्य मंत्री, पर्यटन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का मिला स्वतंत्र प्रभार। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह भी बने मंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। यूपी से राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला को भी कैबिनेट में जगह, वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। कैबिनेट में शामिल नए शहरों में जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। कर्नाटक से 5वीं बार चुनकर लोकसभा पहुंचे अनंत कुमार हेगड़े भी बनाए गए मंत्री, कौशल विकास राज्य मंत्री बने। एमपी के टीकमगढ़ से बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार भी कैबिनेट में शामिल, महिला और बाल कल्याण के साथ अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री बने। जापान के दौरे पर रवाना हुए अरुण जेटली, पत्रकारों को कहा जापान से लौटने के बाद निर्मला को सौंपेंगे रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साबरमती आश्रम में बापू को किया नमन, आश्रम परिसर में लगाया पेड़। राजकोट के जसदान शहर की यात्रा करेंगे राष्ट्रपति, सौराष्ट्र नर्मदा परियोजना के आधारशिला समारोह में होंगे शामिल। आज यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे महेंद्रनाथ पांडे, 2 दिन पहले मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। डोकलाम विवाद हल और नोटबंदी और आरएसएस ने मोदी सरकार की थपथपाई पीठ, बोले लंबी अवधि में देश को होगा फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, बोले बिजली के क्षेत्र में सरकार ने किया अच्छा काम। जयललिता के उत्तराधिकारी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी का बयान, बोले अम्मा ने किसी को नहीं बनाया अपना राजनीतिक वारिस।
स्मार्टफोन बना पाकिस्तान जासूसी का हथियार, केंद्रीय गृह मंत्रालय का अलर्ट, चार खास ऐप का ना करें इस्तेमाल। टॉप गन, एमपी जुंक, बॉडी जुंकी और टॉकिंग फ्रॉग नाम के ऐप को स्मार्टफोन से करें डिलीट, पाकिस्तान जासूसों के साइबर फ्रॉड का खतरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रखा तो कड़ी सजा पक्की, सरकार कानून में करने जा रही है बदलाव। चेन्नई में दलित लड़की की मौत के बाद प्रदर्शन, डीएमके ने एनआईआईटी के खिलाफ आंदोलन तेज करने का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों का मानवीय पक्ष आया सामने, बुखार से पीड़ित महिला को स्ट्रेचर पर 7 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 नक्सलियों को पुलिस ने दबोचा। तकनीकी बदलाव की वजह से एटीएम में 3 महीने बाद मिलेंगे 200 रुपए के नए नोट। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में प्रेम प्रसंग शादीशुदा महिला पर फायरिंग, गोली चलाने वाले शख्स ने की खुदकुशी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मरीज बनकर आए बदमाशों ने डॉक्टर के पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटा, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, पुलिस पर उठे सवाल। अंबाला जेल में डेरा समर्थकों ने बाथरूम में फंदा लगाकर की आत्महत्या, पंचकुला हिंसा के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में शराबी पति की पत्नी और बेटे को आग के हवाले करने की कोशिश, दोनों अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में 4 अफ्रीकी नागरिकों के कैब लूटने के मामले में खुलासा, आर्थिक तंगी की वजह से कैब चालक ने रची थी साजिश। यूपी के मथुरा में मां ने 4 बच्चों की हत्या कर खुद लगाई फांसी, पति का दावा दिमागी तौर पर बीमार थी महिला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने गाड़ियों के फर्जी इंश्योरेंस बनाकर ठगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को दिए जाने वाले 72 टन अनाज जब्त, 1 गिरफ्तार। यूपी के इलाहाबाद में दबंगों के हाथ पति और बेटे की पिटाई के बाद महिला की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने इन वक्त पर किया गिरफ्तार। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट से बातचीत, राम मंदिर को लेकर हुई चर्चा। गाजियाबाद में कल बीजेपी नेता की हत्या के मामले में बीएसपी के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज, परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। फतेहाबाद में कोचिंग सेंटर के टीचर पर छात्रा को अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। आगरा में एक पुजारी की संदिग्ध हालत में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 लोग बवाना मुनक नहर में डूबे, 2 को बचाया गया, 3 की तलाश जारी। ब्लू व्हेल गेम में मध्य प्रदेश के दामों में 11वीं की छात्र के लिए जान, ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। दिल्ली के द्वारका में भी ब्लू व्हेल गेम का शिकार हुआ एक मासूम, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में चाची से अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या, युवक का बड़ा भाई और उसका चाचा गिरफ्तार। पंजाब के मुक्तसर में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, 10 एकड़ जमीन के मालिक पर था 88 लाख का कर्ज। तमिलनाडु के सिरगाजी में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी, परिजनों ने दोनों के रिश्ते का किया था विरोध। यूपी के बाराबंकी में नहर में गिरी बेकाबू कार, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत। राजस्थान के झालावाड़ में संतुलन खोकर नदी में गिरा ट्रक, ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत। हरियाणा के विधायक बलकौर सिंह के रिश्तेदार की मुक्तसर में बेरहमी से हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसनसोल में खस्ता हाल सड़क से नाराज लोगों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया निशाना, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के अलीपुर में 2 प्लास्टिक गोदामों में आग, दमकल की 17 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पीड़िता की मां और भाई को बंधक बनाने का आरोप। दिल्ली में झपट मारों से बचने के चक्कर में महिला की ट्रेन से गिरकर मौत, दिल्ली अहमदाबाद योगा एक्सप्रेस में हुई वारदात। मथुरा एक गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, 1 महिला और उसके 2 बेटों की हत्या। कानपुर में चक्करपुर मंडी के पास बिजली के पोल के करंट से 1 गाय और 5 सांडों की मौत, लोगों में गुस्सा। टेस्टीडी से बाद वनडे सीरीज में श्रीलंका का क्लीन स्वीप, आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने लंका को 6 विकेट से दीमा। श्रीलंका ने भारत के सामने रखा था 239 रनों का लक्ष्य, टीम इंडिया ने 3 ओवर 3 गेंद रहते जीता मैच। कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में दूसरी बार जमाया शतक, 110 रन बनाकर आखिर तक रहे नाबाद।
आखिरी वनडे में केदार जाधव ने दिखाया दम, 63 रनों की खेली शानदार पारी। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए भुवनेश्वर बने मैन ऑफ द मैच, 42 रन देकर 5 विकेट चटकाए। सीरीज में 15 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह बने मैन ऑफ द मैच, सीरीज इनाम में मिली कार। कप्तान विराट कोहली के नाम बना एक और रिकॉर्ड, 30 वनडे में शतक जड़कर पॉन्टिंग की बराबरी करी। वनडे में शतकों के मामले में सिर्फ सचिन से पीछे विराट, सचिन के नाम सबसे ज्यादा 49 शतक। धोनी के नाम भी बना रिकॉर्ड, वनडे में 100 स्टंपिंग करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बने। दोनों टीमों के बीच अब T20 मुकाबले का इंतजार, बुधवार को कोलंबो में खेला जाएगा चौथा T20। परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले हम देख लेंगे, उत्तर कोरिया से संबंध रखने वाले देशों से अमेरिका व्यापार में करेगा कटौती। अमेरिका की उत्तर कोरिया को खुली चुनौती, हमला हुआ तो उत्तर कोरिया का मिट जाएगा नामो निशान। यूएनओ ने अमेरिका की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग मानी, उत्तर कोरिया से निपटने की रणनीति पर होगा विचार। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से जापान भी नाराज, प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा हमें कतई मंजूर नहीं, हम पुरजोर विरोध करेंगे। बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में फरार करार दिए गए परवेज मुशर्रफ का बयान, बोले निश्चित तौर पर पाकिस्तान लौटूंगा और मुकदमे का करूंगा सामना। जर्मनी की आर्थिक राजधानी फ्रैंकफर्ट में दूसरे विश्व युद्ध को बम मिलने से हड़कंप, आबादी को खाली कराकर बम किया गया निष्क्रिय। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने 1.5 किलोमीटर तक के दायरे के 60,000 लोगों को इलाके से निकाला, 1.8 टन का ब्रिटिश बम जमीन के 20 फीट नीचे से बरामद।